नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 4 वोल्ट लीड एसिड रिचार्जेबल बैटरी का चार्जर हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं और ये बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बैटरी होता है ये हमारा इमरजेंसी लाइट या फिर हमारा जो चाइना टॉर्च लाइट होता है उसमें देखने को मिल जाता है, और उसमें इस प्रकार का बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सर्किट होता है। वही चार्जिंग सर्किट मैंने इस वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा और उससे ये बैटरी को चार्ज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको 4 डायोड लेना पड़ेगा। ये चारों डायोड का नंबर सेम है, इनका नंबर है 1N4007। ये एक डायोड आपको 1 रुपए में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। ये जो डायोड होता है इसमें 2 साइड होता है, एक सिल्वर वाला साइड होता है और एक ब्लैक वाला साइड होता है। पहले आपको 4 डायोड में से 2 डायोड को लेना है और ये दोनों डायोड का जो सिल्वर वाला साइड का 2 लेग है इनको आपस में सोल्डरिंग कर लेना है। उसके बाद में बाकी जो 2 डायोड बचते हैं उनको लेना है, उनका जो ब्लैक वाला साइड का 2 लेग है उनको आपस में कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेना है। अभी हमारा ये 2 डायोड का 2 सेट बन चुका है, तो इनको क्या करना है कुछ इस तरीके से हमें सोल्डरिंग कर लेना है, ये वाला पॉइंट को और ये वाला पॉइंट को। इस तरीके से ये चारों डायोड का आपको सोल्डरिंग कर लेना है। इसके बाद में आपको 105J 400 वोल्ट का एक पीएफ कैपेसिटर लेना पड़ेगा। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर 5 रुपए में मिल जाएगा। इसमें 2 लेग होता है, कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। ये जो पीएफ कैपेसिटर है इसको मैंने ये सोल्डरिंग स्टैंड में अच्छे से लगा लेता हूँ। और ये चारों डायोड को आपको लेना है। देखिए, एक डायोड का सिल्वर वाला साइड का लेग और एक डायोड का ब्लैक वाला साइड का लेग जो सोल्डरिंग हुआ है इसको हमें पीएफ कैपेसिटर का दोनों लेग में से किसी एक लेग के साथ में सोल्डरिंग कर देना है। आपको एक 470 किलो ओम का क्वार्टर वाट में रजिस्टर लेना पड़ेगा। ये रजिस्टर आपको 50 पैसे में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। इसमें 2 लेग होता है और ये दोनों लेग में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। ये जो रजिस्टर का 2 लेग है इसको आपको क्या करना है, पीएफ कैपेसिटर का 2 लेग के साथ में कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग कर लेना है। एक छोटा सा एलईडी लेना पड़ेगा। ये मैंने ग्रीन कलर का एलईडी ले रहा हूँ, आप रेड कलर का भी ले सकते हो, ब्लू कलर का भी ले सकते हो, आपको जो कलर का मिले वो ले सकते हो। इसमें जो छोटा वाला लेग होता है वो माइनस होता है, बड़ा वाला लेग प्लस होता है। ये एलईडी आपको 1 रुपए में मिल जाएगा। एलईडी का जो प्लस वाला लेग है इसको क्या करना है, ये जो दोनों डायोड का सिल्वर वाला साइड एक साथ में सोल्डरिंग हुआ है इस पॉइंट के साथ में सोल्डरिंग कर देना है। आपको एक 1 किलो ओम का क्वार्टर वाट में रजिस्टर लेना है। ये आपको 50 पैसे में मिल जाएगा। इसमें 2 लेग होता है, कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। ये रजिस्टर को हमें क्या करना है, ये एलईडी का जो माइनस वाला लेग है इसके साथ में सोल्डरिंग कर लेना है। और ये जो रजिस्टर का दूसरा लेग है इसको हमें क्या करना है, पीएफ कैपेसिटर का जो ये वाला लेग है यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। देखिए, दोनों डायोड का जो ब्लैक वाला साइड का 2 लेग एक साथ में सोल्डरिंग हुआ है, यहाँ पर हमें ब्लैक कलर का एक तार को सोल्डरिंग कर देना है। ये हमारा बैटरी का माइनस के लिए रहेगा। एलईडी का जो प्लस वाला लेग है यानी कि ये दोनों डायोड का जो सिल्वर वाला साइड का 2 लेग एक साथ में सोल्डरिंग हुआ है, यहाँ पर एक रेड कलर का तार को सोल्डरिंग कर देना है। ये हमारा बैटरी का प्लस के लिए रहेगा। और बिजली का जो 2 तार है उसमें से एक तार को आपको क्या करना है, पीएफ कैपेसिटर का जो ये वाला लेग है इसके साथ में सोल्डरिंग कर देना है। तो दूसरा तार है इसको क्या करना है, एक डायोड का सिल्वर वाला साइड और एक डायोड का ब्लैक वाला साइड का जो ये पॉइंट खाली बचा हुआ है इसके साथ में सोल्डरिंग कर देना है। बस इतना काम करने से ये जो हमारा 4 वोल्ट बैटरी के लिए चार्जर है ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं। अभी मैंने ये चार्जर में 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे दिया हूँ। टेस्टर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं टेस्टर में हमारा लाइट जल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा करंट आ चुका है। और जब ये चार्जर हमारा ऑन होता है तो यहाँ पर आप हाथ मत लगाना, यहाँ पर हाथ लगाओगे तो आपको करंट का झटका मार सकता है, इसमें करंट का खतरा रहता है। तो आपको थोड़ा सेफ्टी से इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करते हैं, यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है। तो देखिए, मल्टीमीटर को मैंने 1000 DC में लगाया हूँ। क्यों लगाया हूँ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज मिलता है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर हमारा 4 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर हमें 200 से 300 वोल्ट मिलता है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 275-270 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी आप सवाल करेंगे कि हमारा जो 4 वोल्ट का बैटरी है इसको अगर ये 200 या फिर 300 वोल्ट देगा तो ये बैटरी तो खराब हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ये जब हम बैटरी को इसके साथ में कनेक्शन करेंगे तो ये बैटरी को चार्ज होने के लिए जितना ही वोल्ट चाहिए होगा उतना ही वोल्ट देगा। तो अभी ये जो बैटरी आप लोग देख रहे हैं ये हमारा 4 वोल्ट का है और 2 एम्पीयर का है और सील लीड एसिड रिचार्जेबल बैटरी है। अभी ये बैटरी में कितना वोल्टेज है मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ और ये चार्जर को लगा के आपको चेक करके दिखाऊंगा। अभी ये बैटरी में हमारा 3.88 वोल्टेज है। अब हम यहाँ पर चार्जर को कनेक्शन करते हैं। माइनस को बैटरी का माइनस के साथ में लगाना है, प्लस को बैटरी का प्लस के साथ में लगाना है। तो चलिए अब हम चार्जर में 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे देते हैं यानी कि बिजली की बोर्ड में लगा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा एलईडी जल रहा है और टेस्टर में भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा टेस्टर में लाइट भी जल रहा है।
तो चलिए अब हम बैटरी में वोल्टेज को चेक करके देखते हैं बैटरी में कितना वोल्ट दिखा रहा है। तो देख सकते हैं 4.85 वोल्टेज दिखा रहा है, पहले हमारा 3.88 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा था, अभी 4.85 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि लगभग 1 वोल्ट हमारा ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है। दोस्तों ये जो चार्जर सर्किट है इससे आप इस प्रकार के जितने भी सारे 4 वोल्ट का लीड एसिड बैटरी होते हैं इनको चार्ज कर सकते हो, चाहे आपका बैटरी 1 एम्पेयर का हो, 0.5 एम्पेयर का हो, 2 एम्पेयर का हो, या फिर 1.5 एम्पेयर का हो, या फिर 0.4 एम्पेयर का हो, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पेयर का ही बैटरी को चार्ज कर सकते हो। उससे ज़्यादा एम्पेयर का बैटरी होगा तो ये चार्ज कर पाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ये 2 एम्पेयर का जो बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए लगभग 5-6 घंटा लगता है, और अगर आप यहाँ पर 3 या 4 एम्पेयर का बैटरी को लगाओगे तो आपका 10-15 घंटा लग जाएगा चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये वोल्टेज देता है वो तो सही से देता है, लेकिन जो ये एम्पेयर देता है वो थोड़ा कम देता है, जिस वजह से बैटरी को चार्ज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए आप इससे ये जो छोटे छोटे बैटरी होते हैं इनको चार्ज कर सकते हो। और आप ये चार्जर से जो 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी होता है उसको कभी भी चार्ज मत करना, उसको चार्ज करोगे तो वो बैटरी को खराब कर देगा। चलिए अभी मैंने ये चार्जर को निकाल लेता हूँ और यहाँ पर बैटरी में कितना वोल्टेज है मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा चार्ज हो चुका है, देखिए अभी ये 3.94 वोल्टेज दिखा रहा है, पहले हमारा जब ये चार्ज नहीं हुआ था 3.88 वोल्टेज था, अभी ये हमारा 3.9394 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये बैटरी हमारा थोड़ा सा चार्ज हुआ है, इसको अच्छे से चार्ज होने के लिए आराम से 4-5 घंटा लगेगा इस चार्जर से। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।